आपको शादी के लिए एक नेशनलिटी चूज करने का मौका मिले, इंडिया या चाइना, तो कौन सी नेशनलिटी चूज करें? आई वुड प्रोबेबली गो फॉर इंडिया मे बी। इंडिया क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफी हॉट लोग हैं। बस आप लोग इंडिया को मौका देना चाहते थे क्योंकि इंडिया के साथ हमारे टर्म्स तो अच्छे हैं नहीं। अगर आप उनको मौका देना चाहते हैं, उनके साथ किसी इंडियन के साथ शादी करेंगे तो हमारे टर्म्स अच्छे हो जाएंगे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देंगे ये मौका? हाँ आप? या, मैं भी दूंगी मौका अगर मुसलमान है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। और हम देखने वाले कि पाकिस्तान की जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं वो किसको पसंद करेगी, एक इंडियन लड़के को एक चाइनीज लड़के को। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। शादी के लिए नेशनलिटी चूज करने का मौका मिले तो कौन सी करेंगे, इंडिया या चाइना? तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी अवाम पाक चाइना दोस्ती को निभाती है या हम सायों का घर बसाती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम आमना है। रमीशा। मीरा। आपका नाम क्या? फामिया। मारिया। जुहेब। मोहम्मद फरहान। मोहम्मद शौफ। नबा मकसूद। मोइन हसनाज। आमना, आप सिंगल हो या मैरिड हो? मैं सिंगल हूँ। सिंगल हूँ। मैं सिंगल हूँ और मैं एंगेज्ड हूँ। अच्छा, सच सच बताना है? सिंगल या एंगेज्ड? मैरिड। मैं मैरिड हूँ। फरहान, मुझे ये बताएं कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं? जी सिंगल हूँ। मैं सिंगल हूँ। सच सच बताना, लग नहीं रहा तुम्हारी शक्ल से। नहीं नहीं, मैं सिंगल हूँ। अ काइंड ऑफ मैरिड, निकाह हुआ है। सिंगल। अगर आपको शादी के लिए एक नेशनलिटी चूज करने का मौका मिले, इंडिया या चाइना, तो कौन सी नेशनलिटी चूज करें? आई वुड प्रोबेबली गो फॉर इंडिया मे बी। इंडिया क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफी हॉट लोग हैं। मसलन कौन हॉट लोग हैं? बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि शाहिद कपूर है, दीपिका पादुकोण है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज और भी हैं। तो आप दीपिका से तो शादी नहीं कर सकती? खैर, आपको लोगों को देखने का मौका मिलता है। सोच लो, इंडिया में खूबसूरती ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग। अच्छा, तो अब चाइना क्यों नहीं? क्योंकि एज यू नो चाइना में काफी कोरोना वायरस फैला हुआ है। डर गई हैं कोरोना वायरस से? नहीं, बट स्टिल इट्स अ डिजीज। इंडिया में जाना नहीं चाहती और चाइना में वैसे कोरोना वायरस है, तो पाकिस्तान में ही रहूंगी मैं। बहुत ही मुश्किल सवाल है। I'm from China. Why China? Because right now Pakistan and India have a battle. वो तो हमेशा रहती है, लेकिन अब चाइना क्यों से रहते? चाइना में तो कोरोना वायरस आ रहा है, ये भी सोच लें आप। लेकिन वो एक सिटी में है, मैं कोई दूसरी सिटी से। नहीं नहीं नहीं, चाइनीज से ना मेरे करो, क्योंकि वो बहुत अजीब से खाना खाते हैं। चाइनीज मुस्लिम से भी, चाइनीज मुस्लिम नहीं खाएंगे। आप लोग इंडिया को मौका देना चाहते थे क्योंकि इंडिया के साथ हमारे टर्म्स तो अच्छे हैं नहीं। अगर आप उनको मौका देना चाहते हैं, उनके साथ किसी इंडियन के साथ शादी करेंगे तो हमारे टर्म्स अच्छे हो जाएंगे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देंगे ये मौका? हाँ आप? या, मैं भी दूंगी मौका अगर मुसलमान है। मैं हिंदू के साथ नहीं कर सकते, मुसलमान है, इंडियन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पाकिस्तान और इंडिया के टर्म्स अच्छे करने के लिए इंडिया में शादी करने को तैयार है? जी हाँ हाँ, बिकॉज फिर पीपल मरेंगे नहीं, लोग पीस में होंगे, तो क्यों नहीं। अच्छा, लेकिन एक रिश्ता ये सॉल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। नहीं, आप दोनों करें तो हो सकता है। हम इतने इम्पोर्टेंट लोग नहीं। अगर आपको खुदा ना खास्ता दूसरी शादी करने का मौका मिले तो आप कौन सी नेशनलिटी में करेंगी, इंडिया या चाइना? दोनों में नहीं करूंगी। वजह? इंडिया में जाना नहीं चाहती और चाइना का मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है चीज़ों। मुझे बिल्कुल चाइना पसंद नहीं है, ना चाइना चीज़ें, ना चाइना के लोग, ना चाइना। और इंडिया क्यों नहीं? इंडिया के तो बहुत खूबसूरत। एंटी इंडियन हूँ मैं, आई लव पाकिस्तान। मैं इंडियन के साथ कोई मेरा कोई कनेक्शन नहीं। इंडिया के ड्रामे भी नहीं देखती हैं आप? बहुत कम, बिल्कुल भी नहीं। मैं इंडिया के, मैं ना स्टार प्लस की शौकीन हूँ ना इंडिया ड्रामों की। हाँ, मूवीज कभी कभी देख लेती हूँ, गाने, लेकिन इंडिया, मेरा घर इंडियन चैनल नहीं चलते जाता। अगर जुहेब, अल्लाह ना करे, आपकी बेगम बैठी मुझे बद्दुआएं देगी, अगर आपको दूसरी शादी का मौका मिले तो आप कौन सी नेशनलिटी चूज करेंगे, इंडिया या चाइना? पहले तो मैं थोड़ा सा डरूंगा, उसके बाद आई वुड गो फॉर इंडिया एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे उनकी स्किन टोन हमारी तरह की है और कॉरेस्पॉन्डेंस में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही है बीवी हर दूसरे दिन तो रूसी होती है, तो उसको मनाने में आसानी होगी, वरना चाइना में तो मैं फिर ट्रांसलेटर ही ढूंढता रहूँगा गूगल पे। ये तो आप इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं अपनी बेगम को, लगता बहुत नाराज होती हैं। हो सकता है, ये तो वो बताएगी। अगर पाकिस्तान हो तो ज़्यादा बेस्ट आई थिंक। नहीं, अभी आपके पास दो ऑप्शन है, चाइनीज या इंडियन। आई थिंक इंडिया, इंडिया मोर बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे कल्चर सेम सेम है और मुस्लिम्स भी हैं, तो मतलब ऑब्वियसली आई थिंक इंडिया इज द बेस्ट। तो चाइना क्यों नहीं? चाइना एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन चाइना कल्चर एंड पाकिस्तान, और वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ हमारा को वो इस तरह से मिक्सअप नहीं होता, तो इंडिया और पाकिस्तान सेम नेशंस हैं,
मतलब पार्टीशन के बाद सबसे वहाँ के लोग, उनकी ईटिंग हैबिट्स और उनका पहनना कल्चर, तो वो सब कुछ सेम है, तो इस वजह से आई थिंक इंडिया इज़ मोर बेस्ट। लेकिन इंडिया की बजाय हमारा चाइनीज़ के साथ टर्म्स ज़्यादा अच्छे हैं। बस वो तो हमारी गवर्नमेंट के और जो है पब्लिक रिलेशन वो तो वैसे हैं बेस्ट हैं, मगर उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनके साथ हम मैच बिल्कुल नहीं करते, खासकर उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी ईटिंग हैबिट्स और कल्चर डिफरेंस, तो ये चीज़ें पाकिस्तान में इस तरह से मैचअप नहीं हो सकती। दोनों ही नहीं करूँगा। क्यों? इंडिया में वैसे ही कोई हिंदू लड़की मिलेगी और चाइना में कोरोना फैला हुआ है तो। आप डर गए कोरोना वायरस से? हाँ, कौन नहीं डरता। नहीं, हट्टे कट्टे जवान हो, डरना तो नहीं चाहिए तुम्हें। नहीं, फिर भी पॉसिबिलिटी तो रहती है ना चाइना से, अगर मैं करूँ तो कोरोना फैल सकता है। लेकिन चाइनीज लड़कियाँ होती तो प्यारी है, छोटी होती हैं। लेकिन नॉट इवन इंडिया एंड नॉट इवन चाइना, ऑब्वियसली कोई पाकिस्तानी या पाकिस्तानी भी नहीं तो ऐसा इंसान जो मुझसे प्यार करे। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, इंडिया और चाइना, तो इनमें से अगर एक चूज करने पड़े तो कौन सी करेंगे? इंडिया नॉन मुस्लिम है तो लाइक अगर कोई मुसलमान होगा तो फिर किसी मुस्लिम से कर लूँगी अगर इंडिया में हुआ। अच्छा, तो चाइना? नो। क्यों नहीं? जी यू नो चीनी आँखें, लाइक यू नो so ugly, I don't like them. India क्यों चूज करेंगे और चाइना क्यों नहीं चूज करेंगे? वो इसलिए क्योंकि मैं बेसिकली सिंगर हूँ, इसलिए मुझे जो कंट्रीज है वो ज़्यादा इंडिया से लगाओ, क्योंकि जो उनका म्यूज़िक है, जो उनका पब्लिक रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बहुत बेटर है। इसलिए मैं अगर मुझे किसी कंट्री कोई प्रेफर करती है, लेकिन मैं सबसे पहले ज़्यादा इंडिया को लाइक करूँगा, मैं फर्स्ट टूर इंडिया का करना चाहता हूँ। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ इंटरनेशनल की जो पाकिस्तानी लड़कियाँ होती हैं वो चाइना के लोगों से शादी, मतलब चाइना के लड़कों से शादी करना चाहती हैं, तो आप इस पर क्या कहें? मे बी बिकॉज वो लोग प्यारे होते हैं तो लोग उनको प्रेफर करते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई पाकिस्तानी लड़की किसी चाइनीज बंदे से शादी करना चाहती है। लेकिन ऐसा होता तो है, करती हैं? पता नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा। अभी एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो वो चाइनीज लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं शादी करने के लिए, तो आप इसे एग्री करती हैं? आई थिंक जो छोटी लड़की ना, पाकिस्तानी जो छोटे बच्चे हैं वो करती हैं, बिकॉज वो कल्चर नहीं है, के पॉप का कल्चर, म्यूजिक का, तो वो था एशियन वाले जो हिप हॉप डांसर्स, यस। लेकिन तो आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ इस्लामिकली हम नेशनल आइडेंटिटी को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान में कहता है कि कल्चर से लर्न करो, तो पाकिस्तान या चाइनीज़ हो, अगर मुसलमान है तो उनके साथ पसंद है तो मैरी कर सकते हो। मेरा ख्याल है कि शायद फोबिया है उनको कंट्री से बाहर निकलने का, जो उनको लगता है कि पता नहीं वहाँ क्या होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई फोबिया नहीं है कि आप बाहर जाएंगे तो यहाँ से अच्छा होगा, आप वहाँ सेकेंड सिटीजन ही है तो वो ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे आपको, तो ये फोबिया चाइना का हो, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, कहीं का भी हो सकता है। एक्चुअली ये तो लड़कियों को पता होगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ चाइना इसलिए वो प्रेफर करती हैं कि एक तो कॉपी बहुत अच्छी बनाते हैं, लड़कियों को आजकल ब्रांड्स का बहुत शौक है, सस्ती शनैल के बैग और वर्साची, गुची, यू नो, तो इस वजह से मेरे ख्याल से एज़ फार एज आई एम कंसर्न तो ये वजह है, बाकी और कोई वजह नहीं। ध्यान रखें, मैं भी लड़की हूँ। ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी चाइनीज़ फिर रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत गलत बात है कि अगर इस तरह से चाइनीज़ लड़की, सॉरी, पाकिस्तानी गर्ल्स चाइनीज़ लड़कों को पसंद करें, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कुछ मेरे ख्याल में कुछ ट्रेंडिंग था पिछले एक साल से कि कुछ लड़कियाँ शादी कर रही हैं, तो वो आई थिंक उनकी कोई मजबूरी होगी या इस तरह से, वरना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगी, कि वो अपने एक जो है उनके अपोजिट जो उनकी कल्चर है या अपोजिट लैंग्वेज के साथ वो शादी करें। इंटरनेशनल ये कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो है वो चाइनीज लड़कों को ज्यादा प्रेफर करती हैं शादी करने के लिए, तो क्या आप इसे एग्री करते हैं? नहीं। क्यों नहीं एग्री करते? वैसे ऐसा काफी देखने में आया। मेरे देखने में नहीं आया। वेल, मेरे ख्याल से कि ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है, बिकॉज जो गर्ल्स हैं सिर्फ गर्ल के सोचने से नहीं होता, जब तक कि कोई चाइनीज़ मैन ख़ुद किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करने के लिए एग्री ना हो, और ये चीज़ एक तरफ से नहीं होती, आई थिंक दोनों तरफ से होती है। नहीं, अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान में भी इतने बुरे इंसान नहीं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे बॉयज़ हैं, एजुकेटेड पर्सन है, तो मैं चाहूँगा कि वो पाकिस्तान के बॉयज़ को ही लाइक करें। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? के
किसी की भी लुक्स पे जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपको की पसंद है तो यू शुड नॉट लुक एट देम एक्सटर्नली, यू शुड लुक एट देम इंटरनली टू. एक्चुअली ना हम कहीं भी शादी करते हैं, अगर लेट्स सपोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमारे अंदर ना एक छोटी सी ख्वाहिश रहती है कि हम अपने कल्चर में ही करें. तो ये आई थिंक सबको मेरी तरफ से एक मैसेज है कि बजाय किसी और कंट्री में करने के, अपने प्रेफर करें कि घर के पास अपने माँ बाप की मर्जी से, और या आपकी अपनी मर्जी हो तो उससे, मगर पाकिस्तान के अंदर ही. मैं कह रही हूँ इस्लाम को लिसन करो, वो सिंपल रिलीजन कहता है आपको कोई कल्चरल लाइक कोई यू नो बैरियर नहीं हो सकते. डाइवर्सिटी इस्लाम प्रमोट करता है, तो देखो लर्न करो डिफरेंट कल्चर्स के साथ और be open minded. Yeah, wo apne aap ke culture bhi also dekh lo kya any yeah open minded karo jaise is tarah hai. Don't put a barrier kyunki koi different culture se hai. Agar musliman hai you know ek god mein believe karta hai and hamare rasulullah ko follow their ways and sunnah, to agar chinese hai ya japanese hai kuch bhi hai pakistani hai agar good muslim hai pasand karte hai to koi iske andar koi masla nahi hona chahiye. ab hamare viewers ko kya message dena chahiye? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर ये वैलेंटाइंस के उस पे ना, तो यानी बाहर ना घूमे लड़कियों के साथ, फिर ऐसी छापा पड़ जाएगा किसी पुलिस वगैरह का और आप लोग खुद पर भी इम्प्लीमेंट करना है, खुद पर भी करना है इम्प्लीमेंट. मैसेज यही देना चाहूँगी कि हर रूमर के ऊपर जो है सच नहीं मानना चाहिए. अगर किसी 100 में से किसी एक या दो ने किसी चाइनीज से शादी कर भी ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी पाकिस्तानी लड़कियाँ ही चाइनीज़ की तरफ चली गई हैं. जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि जहां पाकिस्तानी अवाम एक जानिब चाइना में फैले कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इंडिया में शादी तक करने को तैयार है. उम्मीद करती हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आप इस बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए. तब तक के लिए अल्लाह. तो हाँ जी दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया और वीडियो में आपने देख लिया कि पाकिस्तान की जो लड़कियाँ हैं, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, उनको जो है इंडियन लड़के ज़्यादा पसंद है. बेशक चाइना के यार, चाइना में होते हैं क्या, वे छोटे छोटे चिंगू बिंगू से कार्टून, और इंडिया में होते हैं बिल्कुल ठे कट्टे हैंडसम नौजवान लड़के. तो सिंपल सी बात है यार, वो तो पसंद करेंगे सिर्फ इंडिया के लड़के को ही. और एक और वीडियो हम लेके आने वाले हैं कि क्या इंडिया वाले लड़के पाकिस्तानी लड़के से शादी कर लेंगे. आप बताइए यार, कमेंट में बताइए आप लोग, अगर आपको मौका मिले पाकिस्तानी लड़के से शादी करने का तो आप करोगे क्या? हाँ मुझे पता है मेरे भाई इंडिया में बहुत मेरे भाई कुंवारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये तुम बाहर लोगे चाइनीज लड़के पाकिस्तानी लड़के के पीछे. तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताना यार कि अगर आपको मौका मिले पाकिस्तानी लड़की आपको प्रपोज कर रही है तो आप उससे शादी करोगे या नहीं. और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट जरूर कर देना, और बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यार. तब तक के लिए.